क्या आप भी अपना आधार अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आधार को अपने मुट्ठी में रख सकते हैं। आपको अलग से आधार कार्ड के फ़ोटो कॉपी करा के या आधार कार्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने आधार कार्ड को कैसे साथ रख सकते हैं। बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपका सारा कुछ उसमें आ जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, वेरीफाई है या नहीं, आपका ईमेल आईडी कौन सा है, वेरीफाई है या नहीं, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हुआ है या नहीं, आपके बैंक अकाउंट में एक आधार नंबर लिंक है या नहीं, आप अपना वर्चुअल आईडी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड का बार कोड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी को कैसे सेंड कर सकते हैं, ये सारे कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना आधार कार्ड को आप अपने मुट्ठी में कैसे रखेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एमआधार और आपका सारा कुछ आपको उसमें आ जाता है। ठीक है, आपका पूरा प्रोफाइल उसमें आ जाता है, आपका वर्चुअल आईडी, आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसके बाद इसमें आप जो है बार कोड भी जनरेट कर सकते हैं, सारा कुछ आपको इसमें आ जाता है। तो वो आपको कैसे करना है ये वीडियो देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को आप अपने मुट्ठी में कैसे रखेंगे। और ये जो है 101% जेन्यून है, कोई फेक नहीं है, ये भारत सरकार के तरफ से ये मान्यता प्राप्त है। तो आप इस एप्लीकेशन में ये आप सारा कुछ रख सकते हैं और आप जो है अपना आधार कार्ड कहीं भी नहीं लेके जाइए, बस घर में रख दीजिए और आप जो है इसी एप्लीकेशन में आप सारा कुछ कर सकते हैं। ये जो है जेन्यून है, कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से ये मान्यता प्राप्त है। तो आप कैसे आप अपने आधार कार्ड को आप अपने मुट्ठी में रखेंगे और आपको ये टेंशन भी नहीं रहेगा कि मैं यहाँ कहीं आधार कार्ड लेके जा रहा हूँ, कहीं गुम हो जाएगा या कट जाएगा, फट जाएगा, चोरी हो जाएगा, ये भी टेंशन आपको नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने आधार कार्ड को अपने मुट्ठी में रखेंगे। अब कैसे आप अपने आधार कार्ड को अपने मुट्ठी में रखेंगे ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको अपना आधार कार्ड साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक नया एप्लीकेशन आ गया है, उस एप्लीकेशन में आप अपना आधार कार्ड रख सकते हैं। आपको डिजिटल फ़ोटो कॉपी लेकर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वो एप्लीकेशन है एम आधार। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में आता हूँ और प्ले स्टोर में मैं आपको यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए एम आधार है, आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया, ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पे ये जो आप 25 MB का है तो इसको आप पहले डाउनलोड करके इसको यहाँ पे ओपन कीजिए। यहाँ पर देखिए कि ये आधार डाउनलोड हो चुका है, यहाँ ओपन वाले पे क्लिक कीजिएगा, परमिशन मांग रहा है, परमिशन का भी इस तरीके से आपको अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करते हैं परमिशन तो यहाँ पे आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे इसको इस तरीके से स्किप कर देंगे। ठीक है, स्किप करने के बाद गेट स्टार्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है आई कंसेंट, तो यहाँ पर आई कंसेंट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे कि आधार कार्ड से लिंक है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि उस पर आपको OTP आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने में ये प्रोसेस जो है ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे देखिए कि आपका आधार है यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे अपना माय आधार को रजिस्टर कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आप अपना आधार कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिलेटिव EID को अपने यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे
आप देख रहे हैं कि वेरीफाई आधार, अपना आधार को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेट वर्चुअल आईडी को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ बार कोड कोई भेजेगा उसको स्कैन कर सकते हैं, तो इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अपना हाथ के नीचे रख के बार कोड रख के जो यहाँ पे अपना स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके आधार कार्ड का बार कोड नहीं पता है तो यहाँ से अपना आधार कोड को जो है आपका आधार कार्ड का बार कोड उसको जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे कि आप चाहे इसमें डाल के यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। आधार नंबर कोड डालने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद यहाँ वेरीफाई वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका आधार कार्ड का बार कोड यहाँ पे देखिए जनरेट होके आ चुका है। यहाँ शेयर वाले पे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को आधार कार्ड के बार कोड का किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से अपने आधार कार्ड का बार कोड जनरेट करके इसको डाउनलोड करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड के वर्चुअल आईडी को डाउनलोड करने के लिए जनरेट वर्चुअल आईडी पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपने आधार कार्ड के वर्चुअल आईडी भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, इसके कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। आधार नंबर या कैप्चा डालने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ जनरेट वीआईडी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में आपके आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी है वो जनरेट होके आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी जनरेट होके आ चुका है। यहाँ पे कंग्रेचुलेशन भी बोल रहा है और ये आपका जो है आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी है। तो इसको आप जो है सेव करके रख लीजिए, ये आपके रिकॉर्ड के लिए है, आपको कभी भी ये काम आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है आप जो है अपडेट एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट एड्रेस वेरिफिकेशन को कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे माय आधार है, इस पर क्लिक कीजिएगा और आपका जो एक पिन सेट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना पिन सेट कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कन्फर्म करने के लिए, तो फिर से आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। यहाँ पे आप पहले यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिए, ये कैप्चा यहाँ पर डालिए। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ से आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे फिर से ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। तो इस तरीके से ओटीपी डालने के बाद यहाँ वेरीफाई वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे वेरीफाई वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे जो ये वेरीफाई होके आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपका आधार आ चुका है। इसे स्क्रॉल ऑन कर इसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको इस साइड में आपका जो है एड्रेस रहेगा और इस साइड देखिए आपका एड्रेस आ गया और ये आपका जो आ गया जो है ऊपर का फ्रंट पेज और ये आपका बैक पेज आ जाता है। सो गाइस, ये आपका जो बैक पेज और ये आपका इधर से आपको यहाँ पर फर्स्ट पेज आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि गेट टीओटी कर सकते हैं, बार कोड को यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, ईकेवाईसी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो स्क्रॉल डाउन करके आइएगा, यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है आधार कार्ड बैंक के साथ लिंक है या नहीं, उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ इनरोलमेंट है, इस पर क्लिक करके अपना इनरोलमेंट सेंटर फाउंड कर सकते हैं। यहाँ परमिशन दे दीजिए और यहाँ पर अपना जो भी इनरोलमेंट सेंटर रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे मोर वाले पे जाइएगा और यहाँ पे जाने के आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। आपके आधार कार्ड से जो भी रिलेटेड है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ सर्विसेज पे जाके यहाँ पे आपको ढेर सारा सर्विस मिल जाएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपना जो है आधार कार्ड डाउनलोड करें तो यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिलेटिव ईआईडी कर सकते हैं, यहाँ पर अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप दो ऑप्शन मिल जाता है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं या ईमेल आईडी। जैसे मैं यहाँ मोबाइल नंबर पर क्लिक करूँगा, ये दोनों सेम प्रोसेस है, आप कोई भी इसको बराबरी से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा आएगा, कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद यहाँ वेरीफाई वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो मोबाइल नंबर वेरीफाइड है और यहाँ पे ये शो हो रहा है। सो इस तरीके से गाइस बहुत ही आसानी से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है वो आधार कार्ड के साथ वेरीफाई है या नहीं। इसके बाद आपको कोई भी बार कोड भेजेगा तो यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैनर है, इस पर क्लिक कीजिएगा और
क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा और आप जो है वार को इसके नीचे रख के आप बहुत ही आसानी से स्कैन कर सकते हैं। सो गाइस, ये कुछ प्रोसेस है अपने आधार कार्ड को अपने मुट्ठी में रखने का। आपको कोई भी डिजिटल कॉपी कहीं भी लेके जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा आधार कार्ड कहीं लेके जाएंगे तो गुम हो जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा या चोरी हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने आधार कार्ड को अपने मुट्ठी में रख सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं, आधार अपडेट स्टेटस, यहाँ पे वेरिफिकेशन लेटर स्टेटस, यहाँ पे रिप्रिंट, और यहाँ पे आपके बैंक में आधार कार्ड नंबर लिंक है या नहीं उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डालिएगा आधार कार्ड नंबर, इसके बाद कैप्चा इसमें डाल के आप ये चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और इसके बाद कुछ भी और नीचे है तो यहाँ पे आप नीचे भी आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कि रिलेटिव ऑर्डर आधार स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को आप अपने मुट्ठी में रख सकते हैं और आपको आधार कार्ड कहीं भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपने आधार कार्ड को अपने मुट्ठी में रख सकते हैं और आपको कोई भी फोटोकॉपी या आधार कार्ड कहीं भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 101% जेन्यून है और भारत सरकार इसको मान्यता प्राप्त दिया है। तो आप जो है एम आधार डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और अपना आधार कार्ड को इसमें रख के आप कहीं भी जाते हैं अगर आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से एम आधार को ओपन करेंगे और यहाँ से आप अपना आधार उसको दिखा सकते हैं और यहाँ से आप चाहे तो सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार फीचर है जहाँ से आप अपने आधार को अपने मुट्ठी में रख सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को आप अपने मुट्ठी में कैसे रख सकते हैं। ये एकदम जेन्युइन तरीका है, ये कोई फेक नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।